हेलो एवरीवन गाइस, मैं हूं आर्यन त्यागी और आप देख रहे हैं सीने समाचार। मैं एक बार फिर से आ गया हूं आप सभी के सामने नए लुक, नए माइक और नए अंदाज के साथ में। दोस्तों, पिछले 6.25 महीने से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है, तो आप सोच ही रहे होंगे कि मैंने पिछले 6.25 महीने में किया क्या। ऐसे ऐसे कामों को अंजाम मैंने पिछले 6.25 महीने में दिया है, जिन कामों को करने के लिए आपको चाहिए डेडिकेशन, कड़ी मेहनत और कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी और भी बहुत कुछ आपको चाहिए। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि वह काम है क्या। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। ये गाना किसने बजाया? ये म्यूजिक बंद कर। तो दोस्तों, आज है 5 जून 2021 और 4 जून 2021 यानी कि कल रिलीज हुआ है द फैमिली मैन का सीजन 2। और सीजन 1 जब रिलीज हुआ था तो आप सभी को याद है कि हम सबके दिमाग के अंदर कुछ सवाल थे जो कि चल रहे थे। उनमें सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये था कि मिशन जुल्फिकार जो था वो कामयाब हो पाया है या नहीं, और उस मिशन के बाद जो साजिद नाम का जो स्लीपर सेल था वो कहाँ पर गया, और जो उस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर टास्क के जो ऑफिसर फंसे हुए थे उनके साथ में क्या हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लोनावाला में क्या हुआ था। इन सभी सवालों के जवाब आपको सीजन 2 के अंदर मिल जाएंगे। और सीजन 2 को भी सीजन 1 की ही तरह क्रिएट, राइट और डायरेक्ट किया है राज एंड डीके ने। और इसके अंदर मुख्य भूमिकाओं में है मनोज बाजपेयी, प्रियमणि समंथा और शारिब हाशमी जी। साथ ही उनका साथ दिया है साहब अली, दर्शन कुमार, शरद केलकर, आनंद स्वामी, विपिन शर्मा, सीमा विश्वास, सनी हिंदुजा और रविंद्र विजय जैसे कलाकारों ने। शो की स्टोरी और प्लॉट के बारे में बात करें तो सीजन 2 भी वहीं से शुरू होता है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब श्रीकांत तिवारी अपनी टास्क की जॉब को छोड़ चुका है और एक आईटी कंपनी के अंदर काम कर रहा है। वो पूरी कोशिश करता है कि अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी घरेलू स्थिति कुछ ठीक नहीं है। उसकी अपने बीवी और बच्चों के साथ में कुछ खास नहीं बनती है। यहाँ तक कि उसकी बीवी तो एक मनोचिकित्सक से मिलती रहती है क्योंकि उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। श्री जहाँ पर काम करता है वहाँ पर उससे आधी उम्र का एक उसका सीनियर मैनेजर है जो उसे बात बात पर ताने मारता रहता है और जबरदस्ती के मोटिवेशनल कोट उसको सुनाता रहता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इरिटेट भी रहता है। और बीच बीच में श्री को जो है टास्क ज्वाइन करने के ऑफर भी आते रहते हैं, लेकिन श्री ऊपरी मन से उनको मना करता रहता है। हालांकि श्री का भी मन होता है कि वो दोबारा से टास्क को ज्वाइन करे। वहीं दूसरी ओर श्रीलंकन तमिल रेबल्स का एक ग्रुप दिखाया गया है जो कि उन्होंने श्रीलंकन तमिल पर हुए श्रीलंकन आर्मी के द्वारा अत्याचारों का बदला लेने के लिए बनाया है, और उनका जो ग्रुप है एक बेहतर स्थिति में पहुंच ही रहा होता है कि तभी श्रीलंकन आर्मी उनके ऊपर हमला कर देती है और उनका ग्रुप टूट जाता है, जिसमें उनके ज़्यादातर जो सोल्जर्स होते हैं वो मारे जाते हैं और बचे कुछ सोल्जर्स कुछ इंडिया में पहुँच जाते हैं और कुछ लंदन में पनाह ले लेते हैं। वहीं लंदन के अंदर मौजूद मिशन जुल्फिकार को सीजन 1 में लीड करने वाले मेजर समीर यानी कि जो ISI के एजेंट होते हैं वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल रेबल होते हैं वो इंडिया के खिलाफ हो जाते हैं, और वो कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी कुछ बड़ा नुकसान इंडिया को हो सकता है, जिसके अंदर आग में घी डालने का काम करता है करंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर यानी कि PM बासु का सनकीपन। इसी बीच श्रीकांत तिवारी भी फिर से टास्क को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसको इस बार ये नहीं पता है कि उसके काम की आँच उसकी फैमिली तक भी पहुँच जाएगी। अब इन रेबल्स के इरादे क्या हैं और क्या ये उन इरादों में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा सीजन 2। शो के अंदर मेन प्लॉट के साथ साथ कई सारे सब प्लॉट भी चलते रहते हैं, जैसे कि सूची और अरविंद के रिश्ते में अब क्या हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे डील कर रहे हैं, सूची और श्रीकांत के आपस के रिश्ते कैसे हैं और क्या प्रॉब्लम वो दोनों फेस कर रहे हैं, साथ ही उन दोनों के रिश्ते अपने बच्चों के साथ में आजकल कैसे हैं, ये चीज़ें भी इस शो के अंदर ठीक ढंग से दिखाई गई हैं। इसके अलावा शो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सबप्लॉट रखा गया है, धृति और उसके दोस्त कल्याण के बीच की फ्रेंडशिप। ये जो सबप्लॉट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जाकर के ये स्टोरी के अंदर एक अहम रोल प्ले करता है।
साथ ही श्रीलंका के जो लोकल तमिल पीपल हैं वो इन लोगों को, इन रेबल्स को क्यों सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर भी हल्की फुल्की रोशनी डाली गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि श्रीलंकन तमिल और वहाँ की जो गवर्नमेंट है या फिर वहाँ की जो आर्मी है, उन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है या फिर पहले कभी हुआ है, जो भी उनके रिवॉल्यूशन रहे हैं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं जो भी इस विषय में बोल रहा हूँ इस शो के बिहाफ पर ही बोल रहा हूँ। इसके अलावा शो के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट और लव जिहाद जैसे मुद्दों को भी बड़ी ही बारीकी और सफाई के साथ में दिखाया गया है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की बात करें तो स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा टाइट है, आपको कहीं पर भी ये पलंग झपकने की मोहलत नहीं देने वाला है। एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 9 तक आपको बांधे रखेगा। डायलॉग्स बहुत ही एंटरटेनिंग है और रियलिस्टिक भी है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशंस काफी रियलिस्टिक है। इसके अलावा अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो सेकेंड एपिसोड के आखिर में जब समंता कियानी यानी कि राजी का जो करेक्टर है वो रिवील होता है तो वो काफी शॉकिंग सीन है। और इसके अलावा कुछ एक सीन्स के अंदर तो समंता कियानी ने इतना कमाल का अभिनय किया है कि आप अपने दांतों के तले उंगलियां चबा लेंगे। इसके अलावा जेके और श्रीकांत तिवारी की जो ट्यूनिंग है वो आपको समय समय पर एंटरटेन करती रहेगी। स्पेशली जो जेल सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़्यादा फनी बन पड़ा है। इसके अलावा बहुत सारे फनी सीक्वेंसेस इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एक्शन सीक्वेंसेस और म्यूजिक की अगर बात की जाए तो एक्शन सीक्वेंसेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे और रियलिस्टिक वे में शूट किए गए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे और आपको एक तरीके से रियलिस्टिक फील भी दिलाएंगे। इसके अलावा जो म्यूजिक यहाँ पर रखा गया है खासतौर पर BGM जो है जो एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान भी बजता है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। उसके अंदर इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज किया गया है जो कि काफी यूनिक है और पहली बार आप उसे सुनने वाले हैं। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो समंथा कियानी ने यहां पर सबको पछाड़ दिया है। हालांकि सभी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है लेकिन समंथा जी ने जो काम किया है वो सबके ऊपर भारी पड़ गया है। पूरा जो शो है उसके अंदर 9 एपिसोड है और उन्होंने मुश्किल से इसके अंदर 5 से 7 मिनट तक वो बोली हैं, उनके ज़्यादा डायलॉग्स हैं नहीं और उनको देखते हुए लगता है कि ये वाकई में एक रेबल है जिसके अंदर गुस्सा है, क्रोध है और जुनून है। मनोज बाजपेयी जी ने अपनी ग्रेटनेस यहाँ पर भी शो की है और पूरे तरीके से मतलब उन्होंने बता दिया है कि भाई ये शो मेरा है और मैं इस शो का राजा हूँ। मतलब एक एक फ्रेम के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, एक एक एक्सप्रेशन के ऊपर आपको उनकी हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, मतलब सब कुछ। कई बार तो वो बिना डायलॉग बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं, ये उनके काम की खासियत है। इसके अलावा जितने भी करेक्टर इस शो के अंदर है सभी को निभाने वाले एक्टर्स ने जबरदस्त काम किया है और किसी ने भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। लेकिन मैं यहां पर एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन्होंने वाकई में मुझे चौंका दिया है और वो है श्लिषा ठाकुर। उन्होंने अपने करेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है और किस तरीके से टीनेज के अंदर जो लड़की और लड़के होते हैं उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो उधर उधर भटकते रहते हैं, उनके दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं, अपनी फैमिली के साथ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन सबको उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। इसके अलावा मिलिंद के रोल में आए संदीप भैया यानी कि सन्नी हिंदुजा को देख करके बहुत ही अच्छा फील होता है। स्पेशल मेंशन की बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो कल्चरल पोलराइजेशन है उसको समय समय पर दिखाया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है और काफी अच्छा लगता है उसे देख करके। स्वर्गीय नासिर हुसैन जी ने भी यहाँ पर एक छोटा सा किरदार निभाया है जो कि एक मनोचिकित्सक का किरदार है और उन्होंने उस काम को बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है, उन्हें मेंशन करना तो बनता है। राज और डीके के डायरेक्शन के बारे में बात करें तो उन्होंने एक ओवरऑल ऐसा पैकेज तैयार किया है जिसके अंदर आपको इमोशंस मिलेंगे, आपको देश प्रेम मिलेगा, आपको एक्शन मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ऐसा एक तरीके से पैकेज उन्होंने तैयार किया है और कई मायनों में तो मैं कहना चाहूँगा ये जो सीजन 2 है ये सीजन 1 से भी बेहतर है। इस शो की सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात यह है कि ये किसी को भी गलत या सही नहीं ठहराता है, ये बस अपनी बात कहता है और निकल जाता है और हम पर छोड़ देता है कि आपको सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो शो के अंदर कुछ नेगेटिव है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कहना है तो सीमा बिस्वास जी का जो करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, हालांकि उनका काम बहुत ही बढ़िया है। शो के बहुत सारे दृश्यों में तमिल भाषा का प्रयोग इंग्लिश सबटाइटल के साथ में किया गया है तो ऐसा हो सकता है कि हिंदी भाषा के दर्शकों को वो दृश्य कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में ना आए, बट एट द सेम टाइम इसी वजह से वो दृश्य रियलिस्टिक भी लगते हैं। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो शो के अंदर कई सारे वॉयलेंस के सीन है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खून खराबा है। इनफैक्ट एक सीन के अंदर तो एक आदमी की जो लाश है उसको टुकड़े टुकड़ों में काट दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे कई सारे सीन्स हैं और बहुत सारी गालियाँ भी शो के अंदर हैं तो आप बच्चों को
तो ये शो ना ही देखने दें, हालांकि बाकी सब लोग इस शो को ज़रूर देखें क्योंकि ये शो मेरी तरफ से तो मस्ट वॉच है। ओवरऑल इस शो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि शो को आप सब लोग ज़रूर देखें। मेरी रेटिंग का सवाल है तो मेरी रेटिंग इस शो के लिए 4.5 out of 5। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, और अगर पसंद नहीं भी आया है तो फिर भी सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि गलतियां कहां पर हुई हैं, मैं उनमें सुधार करूंगा। दूसरी बात यह है कि आने वाले समय में बहुत सारी रिएक्शन वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करें कि किस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करूँ। बस ध्यान ये रहे कि वो म्यूज़िक वीडियो ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एज यू नो वेरी वेल। सो इन सभी बातों का आप सब ध्यान रखेंगे और मेरे साथ में जुड़े रहेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं माकअप